प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। बीजेपी के जो टिकट द्वारा डिक्लेयर किए हैं अभी होली का पर्व था दो दिन पहले, और टिकट डिक्लेयर करने के बाद कहीं जनता में हर्ष हो या उमंग हो या उनके खुद के कार्यकर्ताओं में कोई ऊर्जा का संचार हुआ मुझे लगा नहीं। तो टिकट सिलेक्शन तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब तक जो नाम सामने आए हैं मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को वो चुनौती दे पाएंगे। बड़े पदों पे हो सकते हैं, मीडिया में नाम उनका छाया होगा, लेकिन धरातल पर लोगों की पकड़ बहुत मजबूत नहीं, ऐसा मेरा ख्याल है। कुछ आप, मैंने कहा ना कि हमारी कोशिश रही है और हम इसमें कामयाब भी रहे हैं कि हम नए लोगों को मौका दें, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएं। ये मुद्दा जो है लोकसभा का, उसको भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है लगातार, किसी बयान को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करना और राष्ट्रवाद को दोबारा परिभाषित करना, जज्बाती मुद्दों को तूल देना, और जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं जो रोज़मर्रा के आम व्यक्ति के जीवन के मुद्दे हैं उनको साइड ट्रैक करना चाहती है बीजेपी। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, किसानों की समस्या, इन पर ध्यान भटकाने के लिए 5 साल की जो सरकार की नाकामी रही है उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को बीजेपी दे रही है। लेकिन मैं मानता हूँ जब मतदान का दिन आएगा तो देश भर के सभी हमारे मतदाता ये सोचेंगे कि 5 साल में जो वादे किए गए थे भाजपा ने, जो लंबे लंबे वादे किए थे उनको जब पूरा नहीं कर सके हैं, तो पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन भावनात्मक मुद्दों को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीत अंत में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की होगी। हमारा यूपी का जो गठबंधन है लगातार मजबूत हो रहा है। कल ही के दिन हम लोगों ने बिहार में अपना पैक्ट फाइनल किया है, महाराष्ट्र में भी आज ही कल में हो जाएगा। तो हमारे जो सहयोगी दल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। भाजपा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचलित है, परेशान है कि 3 स्टेट्स में वो हारी है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो किसी भी कीमत पे वो समझौता कर रही है। शिवसेना ने 5 साल तक कोई कमी नहीं छोड़ी, पानी पीपी के कोसा है मोदी साहब को, अमित शाह जी को और बीजेपी की सरकार को, फिर भी जाके उनसे समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के 2 सांसद हैं, उनको बीजेपी ने 17 सीटें एलोकेट की हैं ताकि वो उनको छोड़ के ना चले जाएं। तो जो उनके एलाइज हैं वो लोग भी कांग्रेस की जीत का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव अच्छा होगा, चुनाव मुद्दों का होगा, चुनाव में कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल चुनाव जीतेंगे। सर बीजेपी 25 की 25 नहीं, हम लोगों ने रिकमेंडेशन करी और कोशिश ये की है ना, जब मैंने आपको कहा पार्टी ने कोई मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन जितने नेताओं से हमने बात की है, लगभग 700 से 900 कार्यकर्ताओं से हर लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों ने संवाद किया, प्रभारी मंत्री जिलों में गए, वहाँ की रिपोर्ट ली है, अपने जो हमारे जिले के प्रभारी हैं PCC के उनकी रिपोर्ट ली है, और सब लोगों से चर्चा करने के बाद प्रदेश स्तरीय नेता, जिले के नेता, सबसे संवाद कायम हुआ। और पिछले 2.5 महीने में जो एक्सरसाइज हमने की है उसका फल ये निकला है कि लगभग सभी सीटों पर नेताओं की आम राय बनी है, और सारे पहलुओं को जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग अपने निर्णय पर पहुंचे, लेकिन राहुल जी की विजिट के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 26 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का 1 दिवसीय दौरा प्रदेश में है। वो पहले जाएंगे सूरतगढ़ सुरेंद्रनगर जिले में, उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के पश्चात जाएंगे झालावाड़, वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएंगे बूंदी, और बूंदी में हम लोगों ने एक और आम सभा रखी है। ये दोनों मीटिंग्स के बाद उनका आगमन जयपुर में होगा, और जयपुर में हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, उन चिन्हित और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं जयपुर में आए, ताकि राहुल जी से उनका संवाद हो सके। और इस सभी जो हमारे लेवल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको ट्रेनिंग दी है पिछले 2 महीने में, उन सबको संबोधित करेंगे जयपुर के आने वाले। ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी का है, और दिल्ली में हम लोगों की लंबी चर्चाएँ हुई हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी और अविनाश पांडे जी, सभी हमारे सेक्रेटरी साहिबान और हमारे संगठन के महासचिव, सबसे लंबी चर्चा के बाद हमारी मेडिकल CEC हुई, सभी सीटों पर चर्चा हुई है। लेकिन राहुल जी के दौरे के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि हम किस सीट पे अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मीटिंग्स के अंदर और CEC के अंदर सभी नेताओं की लगभग सब सीटों पर आम राय बनी है। कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को, जिताऊ लोगों को, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिले, और हम जो मिशन 25 है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।